साल को मेरा चैनल इंग्लिश एजुकेशन के साथ ब्लॉग्स लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कच्चे केले का भरता बनाकर शेयर करने वाली हूँ। ये कच्चे केले का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार आप इसे अगर बनाते हैं तो बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि सभी इसे चाहेंगे कि आप इसे दोबारा बनाएं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। ये रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छी डिश है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट कि हमें कच्चे केले के भरता बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कच्चे केले के भरता बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कच्चे केले। इसे मैंने 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी डाल के बॉईल कर लिया जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने 1 मीडियम आकार के आलू को भी बॉईल करके लिया है। इधर मैंने लिया है 1 मीडियम आकार का प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम आकार का टमाटर, 4 हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक को कद्दूकस किया है और 3 से 4 लहसुन की कलियों को मैंने क्रश करके ले लिया है। तो चलिए बनाते हैं कच्चे केले का भरता। उसके लिए हमें केले के छिलकों को उतार करके इसके जो पल्प है उसे मैश कर लेना है। तो मैं मैश कर लेती हूँ पल्प निकाल के। देखिए फ्रेंड्स, भरता बनाने के लिए मैंने 1 बड़े चम्मच सरसों के तेल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है। इसमें डाल दूंगी मैं काट के रखे हुए लहसुन। डाल देते हैं अदरक, थोड़ा सा भूनते हैं, फिर डाल देते हैं इसमें हरी मिर्चें, साथ ही डाल देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज भून रहे हैं, इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच नमक, इससे प्याज जल्दी से भून जाएंगे। थोड़े से गोल्डन हो जाए प्याज, फिर मैं डालूंगी इसमें टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, देखिए प्याज मैंने भून गए हैं। इसमें डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर। मसालों को भून लेते हैं। डाल देते हैं इसमें टमाटर, टमाटर को सॉफ्ट होने तक भूनना है। टमाटर को मैश करते हुए मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे दबाते हुए मैश कर देना है। अब डाल दूंगी मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। टमाटर भून गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें डाल देते हैं ये आलू और कच्चे केले। बॉइल्ड आलू और कच्चे केले को मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो सिर्फ केले का भी बना सकते हैं, आलू को स्किप कर सकते हैं। मैंने आलू इसलिए डाला है क्योंकि आलू इसमें अच्छे लगते हैं।
से 5 मिनट के लिए भूनना है, तब तक के मसाले अच्छे से मिक्स ना हो जाए। साथ ही डाल देते हैं इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अच्छी तरह से भून लेते हैं। कच्चे केले के भरता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई करें। जिनको सब्जी पसंद नहीं है वो ऐसे इसका भरता बनाकर खा सकते हैं, रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। नए नए वीडियोस आप मेरे ऐसे ही देख सकते हैं। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से भून गए हैं, अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छे बने हैं फ्रेंड्स।